आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंस निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है जो हर मंगलवार होती है, तो इसमें आने वाले समय में यानी कि जो वीकली एक्सपायरी होने वाली है इसमें क्या लेवल ले सकते हैं, किन लेवल के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए फाइनेंस निफ्टी में ताकि हम यहाँ से एक अच्छा ट्रेड ले सकें और हमारे इन्वेस्टमेंट को सफलतापूर्वक यहाँ पर देख सकें। तो इसके लिए आपको सिंपली एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पर आना होता है या एंजल वन एप्लीकेशन पर आप आ सकते हैं। एंजल वन एप्लीकेशन पर आने के बाद आपको नीचे डिस्कवर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस डिस्कवर ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको इंस्टा ट्रेड के ट्रेड नाउ बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाय डिफॉल्ट चार्ट ओपन हो जाता है, लेकिन हमें जो काम करना है फाइनेंस निफ्टी के साथ काम करना है तो आपके पास अगर वॉच लिस्ट में फाइनेंस निफ्टी अगर आपने रखा हुआ है तो आप वॉच लिस्ट पे आओगे, नहीं तो आप यहाँ पे नीचे ऊपर आपको सर्च का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप फाइनेंस निफ्टी को आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली हम वॉच लिस्ट पे आते हैं, वॉच लिस्ट में हमने फाइनेंस निफ्टी को ऐड करके रखा है। 28 फरवरी का फ्यूचर हमारे पास ऐड है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इस हम 28 फरवरी के फ्यूचर को यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने 28 फरवरी का फ्यूचर लग जाता है। अब हम यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में आज जो दिन में कारोबार किया है फाइनेंस निफ्टी ने, ये काफ़ी मिला जुला कारोबार किया है क्योंकि अगर हम आज की कैंडल देखें तो ये कल के पॉइंट के आसपास ही इसने ट्रेड किया है और इसमें दो दिन के पीछे की कैंडल देखें तो इसने एक डोजी पैटर्न को इन्फॉर्म किया था और उसी के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि जो फाइनेंस निफ्टी का जो इंडेक्स है ये एक डोजी पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है और इसी पैटर्न के बीच में ये काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करते हैं और एक इसका लो पॉइंट पे हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेते हैं जो इसके नीचे का पॉइंट है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल है काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो फाइनेंस निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिलते हैं फ्यूचर में, तो ये आपको देखने को मिलेंगे कि इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी बन के आ रहा है सामने ये 18,450 का डाउन साइड में, और अप साइड में हम बात करें तो इसमें 18,650 का लेवल एक अपसाइड में देखने को मिलता है। तो इस रेंज के बीच में फाइनेंस निफ्टी का इंडेक्स हमको काम करते हुए नज़र आ रहा है, तो अगर ये रेंज कहीं भी ब्रेक होती है तो उस दिशा में फाइनेंस निफ्टी हमको ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। अगर मान लो कि फाइनेंस निफ्टी अपसाइड में 18,650 के प्राइस को हिट करता है तो हमें फाइनेंस निफ्टी में 18,700 to 18,750 के लेवल हमें अपसाइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फाइनेंस निफ्टी में अगर रेंज ब्रेकआउट देता है तो हमें 18,700 to 18,750 के लेवल अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, और अगर डाउनसाइड में अगर फाइनेंस निफ्टी निकलते हुए नज़र आता है तो हमें 18,450 का एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 18,400 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात आती है कि हमें फाइनेंस निफ्टी में अगर हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो किस साइड में ट्रेड ले सकते हैं, तो अगर हम सेलिंग का पॉइंट से व्यू से देखें तो हम 18,630 का एक प्राइस है, अगर यहाँ से सेलिंग पॉइंट हमारा बन सकता है, यहाँ से हम एक छोटा सा स्टॉप लेके लो लेके यहाँ से एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर हम बाइंग की पोजीशन बनाना चाहें तो हम यहाँ पे 18,450 का एक सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ से एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस रेंज के बीच में हम काम कर सकते हैं, तो यह रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है कॉल एंड पुट बाय करने के लिए। दोस्तों यह एनालिसिस सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस है, अगर आप किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना एनालिसिस के आधार पर ही ट्रेड करें। तो अगर आप सिंपली कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं या ऑप्शन चेन को आप प्ले करना चाहते हैं तो नीचे आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलता है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो 14 फरवरी की जो एक्सपायरी इस समय कटने वाली है, क्योंकि मंगलवार 14 फरवरी आने वाली है तो 14 फरवरी की एक्सपायरी होने वाली है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें कि हाईएस्ट जो डेटा बन रहा है फाइनेंस निफ्टी में 18,700 का बन रहा है, तो ये माना जा सकता है कि फाइनेंस निफ्टी 18,700 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है इस एक्सपायरी के लिए अपसाइड में। और डाउन साइड में अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड में जो हम बात करते हैं कि 18,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, कि अगर इस लेवल के आसपास हमें डेटा मिलता है तो हम 18,400 के प्राइस पे अगर हमें फाइनेंस निफ्टी मिलता है तो इस प्राइस पे हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर 18,700 पे हमें डाटा मिलता है तो हम यहाँ से
फुट की पोजीशन बना सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। सिंपली अगर हम यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दी गई बाय बटन पे सिंपली हमें क्लिक करना होता है। यहाँ पे अगर हम 135 का इसका प्राइस स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे दी गई बाय बटन पे प्रेस करते हैं, एक लॉट इसमें बाय करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं और एक लॉट में जो क्वांटिटीज आती है 40 क्वांटिटीज आती है तो हमें 40 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगाना होता है। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 135, तो इस प्राइस के आधार पर हमें जो अमाउंट लगेगा ये 5400 का प्राइस लगेगा। नीचे दिए गए बाय बटन पर प्रेस करना होता है। सिंपली बाय करने के लिए कंफर्म बाय का ऑप्शन आता है। कंफर्म बाय करने के बाद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट जैसे ही होता है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमें 7 विंडो पर देखने को मिलता है। यहीं से हम फाइनेंस निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। यहीं से हम चार्ट को का जो टाइम फ्रेम है इसको चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। इसके आधार पर हम डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको यहाँ टूल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चार्ट लगाने के लिए, इंडिकेटर लगाने के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और किसी भी समय आपको लगता है कि आपको ट्रेड से बाहर आना है, आपको अपना पोटेंशियल रिटर्न को आपको बुक करना चाहते हैं, तो नीचे आपको सेल की बटन देखने को मिलती है। इस बटन को सिंपली आपको क्लिक करना होता है और यहाँ से आप सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो भी आपका लॉट है लॉट आपको मेंशन करना होगा, आपका जो उस समय प्राइस चल रहा होगा, अगर आपका 150 का प्राइस जो भी प्राइस आ रहा है तो नीचे दी गई सेल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने ट्रेड से बाहर आ सकते हो और अपना पोटेंशियल रिटर्न जो है बुक कर सकते हैं। तो इतना आसान होता है एंजल वन के एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ से ऑर्डर लगाना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास एंजल वन का डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और शानदार अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा लें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।